नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे ओवेरी में फाइब्रॉइड्स के बारे में यह क्या होते हैं उनके लक्षण क्या हैं, कारण और समाधान क्या हो सकते हैं फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं फाइब्रॉइड्स ओवेरी में गांठों की तरह होते हैं जो महिलाओं के गर्भाशय में उत्पन्न होते हैं ये बालिग उम्र की महिलाओं में आमतौर पर पाए जाते हैं गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स महिलाओं में सबसे सामान्य सौम्य ट्यूमर्स हैं फाइब्रॉइड्स सबसे अधिक आमतौर पर भारी मासिक धर्म के रक्तस्राव का कारण बनते हैं जो अनिमिया का कारण बन सकता है फाइब्रोइड्स के अलावा अन्य विभिन्न लक्षणों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं प्राय सभी जननायु आयु वाली महिलाओं में लगभग 25 प्रतिशत महिलाओं को फाइब्रॉइड रोग होता है गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स के सबसे अधिक जोखिम काले रंग और बढ़ती उम्र हैं एक ही उम्र की महिलाओं के बीच अफ्रीकी अंश की महिलाओं में फाइब्रॉइड्स का प्रसार एशियाई या हिस्पैनिक महिलाओं की तुलना में दो से तीन गुना अधिक होता है जो महिलाएं से पीड़ित होती हैं, वे औसतन अन्य महिलाओं से दस वर्ष पहले ही इन्हें विकसित करने लगती हैं, और उन्हें बड़े फाइब्रॉइड्स और अधिक गंभीर लक्षण होते हैं और जाति के अनुसार गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स की प्रसार उम्र के साथ बढ़ता है जिससे मासिक धर्म के बादल होने लगते हैं और उसे मासिक धर्मावस्था से लेकर गर्भावस्था तक बढ़ाता है पचास वर्ष की आयु तक लगभग सतहत्तर सफेद महिलाओं और 80 काली महिलाओं को हो जाएगा। मासिक धर्म के परिवर्तन के बाद आमतौर पर लक्षण हल हो जाते हैं लक्षण भारी मासिक धर्म और लंबी अवधि तक चलने वाले मासिक धर्म अत्यधिक रक्तस्राव जिससे अनीमिया हो सकती है पेट की तेज दर्द पेट का फूलना या भारीपन की भावना गर्भाशय की बड़ी गांठों के आकार में वृद्धि कारण हार्मोनल असंतुलन बढ़ती उम्र जीवाणुओं के संक्रमण गर्भाशय में चोट समाधान दवाइयाँ ऑपरेशन अन्य चिकित्सा प्रक्रियाएँ फाइब्रॉइड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श करें और उनकी सलाह का पालन करें इस तरह ओवेरी में फाइब्रॉइड्स एक सामान्य समस्या है जिसका सही समाधान निकालना महत्वपूर्ण है अगर आपको इस विषय में कोई और सवाल है तो कृपया हमसे पूछें। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें धन्यवाद